हेलो, मैं हूँ सौम्या शेट्टी और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और आज हम बनाएंगे मैंगलोरियन स्टाइल चिकन सुक्का। चलिए देखते हैं हमें चिकन सुक्का बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम एक मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए हमें लगेंगे 2 बड़े प्याज या कांदा लंबा स्लाइस किया हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधी छोटी चम्मच सौंफ, जीरा, राई और खसखस, 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज, 1 छोटा टुकड़ा इमली का, 5 से 6 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट या नारियल 3/4 कप, थोड़े से गरम मसाले जैसे कि दालचीनी, बड़ी और छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और इनका पेस्ट बनाएंगे। हम अच्छे गरम मसालों को रोस्ट नहीं करेंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 10 से 15 कड़ी पत्ते, थोड़े से सरसों या राई, 2 तेज पत्ते, जीरा, 1 बड़ा सा प्याज या कांदा बारीक कटा हुआ, 4 से 5 लहसुन की कलियां। और यहाँ हमने इस रेसिपी के लिए करीब करीब 1/2 किलो चिकन यूज किया है। चलो हम मसाला पेस्ट बनाते हैं। हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो, और क्योंकि ये मैंगलोरियन डिश है तो ट्रेडिशनली इसे नारियल के तेल में बनाया जाता है। फिर हमें इसमें डालना है बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज या कांदा और अदरक और लहसुन और कड़ी पत्ते, और इसे हल्का सा ब्राउन करके साइड में रख लेंगे। फिर हम और थोड़ा सा तेल डालेंगे और हम इसमें रोस्ट करेंगे सूखी लाल मिर्च, धनिया के बीज, राई, जीरा, सौंफ और खसखस। इन सब चीज़ों को डालकर हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसे भी साइड में रख लेंगे। अब हम ये सारे फ्राई किए हुए मसालों का एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हम इसमें इमली और अच्छे गरम मसाले भी डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी भी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट या नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इस नारियल को भी एक कोर्स पेस्ट यानी दरदरा पीस लेंगे। इसे फाइन ना करें और इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें। अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम चलते हैं चिकन सुक्का बनाने की तरफ। हम कढ़ाई में तेल गरम करके सरसों या राई, जीरा, तेजपत्ता, कड़ी पत्ते और लहसुन की कलियां डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे और हम टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर का पानी छूट जाए तभी इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ताकि चिकन जल्दी से पक जाए, और इसे अच्छे से मिक्स करके आधा छोटा चम्मच नमक डाल के 7 से 8 मिनट हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। सात से आठ मिनट बाद चिकन आधा पक चुका होगा, तब हम इसमें मसाले का पेस्ट ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और मसालों के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब पानी अपने हिसाब से ऐड करें। आपको ज़्यादा अगर रनी कंसिस्टेंसी चाहिए होगा तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही हल्का सा पानी यूज़ किया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें दरदरा पीसा हुआ नारियल का पेस्ट ऐड करके 5 मिनट और पकाएंगे, और लास्ट में गार्निश के लिए थोड़ा सा बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते या कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। यहाँ हमारा चिकन सुक्का तैयार है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, तो
तो आपको ट्राई करना ज़रूर चाहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।